किचन की कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स जो आप देख के बहुत खुश होंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपका बेहद ही ज़्यादा समय और पैसा बचाएगी, किचन में काम करने के लिए एनर्जी बचाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ बिना वेट करे शेयर करते हैं और आपको किचन की नई चीज़ों के साथ, नई टिप्स के साथ अवगत कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक है हमारी, घर में जो तवे होते हैं वो बेहद ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कभी कभी। हमने पहले दो ट्रिक आपको तवे साफ़ करने की दी हैं, लेकिन आज वाली एकदम नई और रिफ्रेशिंग है। ये तवा आगे और पीछे दो साइड से सोडा ज़्यादा गंदा हो गया है, इसके दाग धब्बे जम चुके हैं, पीलापन पड़ जाता है अक्सर नॉनस्टिक तवों पे, बैक साइड पे, पैन्स पे भी। तो आज हम इसको कोलगेट से करके दिखा रहे हैं। हमने अभी तक तवा या पैन आपको कोलगेट से क्लीन करके नहीं दिखाया। इसमें दो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो है कोलगेट, बहुत ज़्यादा सूख चुका था ये दाग, ये धब्बे, तो इनको रगड़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने स्क्रबर लिया है। स्क्रबर आगे से टफ़ है, ग्रीन साइड है, और पीछे से थोड़ा मुलायम है। तो जो टफ़ साइड होती है, जो थोड़ी सख्त साइड होती है, उससे हमने अच्छे से कोलगेट को रब करना है। दोस्तों इसको आगे और पीछे दोनों साइड आपको रब करना है। आप देख सकते हो दाग धब्बे कितने ज़्यादा ज़िद्दी थे, इस हार्ड स्क्रबर से स्क्रब करने के बाद भी ईजिली छूट नहीं रहे। तो हम इसमें एक स्पेशल चीज़ और ऐड करेंगे, वो है दोस्तों थोड़ा सा विनेगर। बहुत थोड़ा सा विनेगर डाला है और ये अभी टूथपेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेगा। आप रिएक्शन देख सकते हो कितने इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। और अभी हल्का सा विनेगर अगर और डालेंगे तो थोड़ी झग्गी और बेहतर हो जाएगी। तो हल्का सा विनेगर मैं और ऐड कर लूँगा और आप देखोगे अभी झग्गी की इंटेंसिटी कितनी बढ़िया हो जाएगी। और ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगा, तवे को हाइजीन भी करेगा और सारे दाग धब्बे अच्छे से काट देगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप देखिए कितने अच्छे बेहतर रिजल्ट हैं। हल्का सा विनेगर और ऐड करा फ्रंट साइड पे भी, तो इसको ऐड करते करते थोड़ी सी झग्गी बढ़ जाएगी, ये देखिए। अब दोस्तों आपको फटाफट से इसको वॉश करके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कितने बेहतर रिजल्ट्स हैं। और आप खुश हो जाएंगे जब आप घर में ऐसे क्लीन करेंगे अपने तवे को या पैंस को, बहुत ही मेसमराइजिंग रिजल्ट्स हैं दोस्तों। अगली ट्रिक की तरफ चलें। घर में कभी भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, तरी वाली सब्ज़ी हो या सूखी सब्जी हो, और कुकर में बना रहे हों, तो कुकर के लिए खासकर ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। दोस्तों कुकर को बंद करने से पहले, सीटियां आने से पहले, इसको थोड़ी देर ऐसे खुले ढक्कन से ही पकाएं। जब थोड़ा पानी कम हो जाए उसके बाद दोबारा से घुमाएँ। हमने अभी इसको सिर्फ ढका था, बंद नहीं करा था। उसके बाद हमने देखा ये बहुत अच्छे से मसाले सारे मिक्स करता है। उसके बाद 10-5 मिनट बाद ऐसे ही पकाएँ और ऐसे ही इसका पानी ऊपर ले जाएँ, उसके बाद इसको ढकें। उससे सब्ज़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, सब्ज़ी दो बार घूम जाती है, तीन बार घूम जाती है, मसाले अच्छे से पकते हैं, अच्छे से घूमते हैं। अब जब हमने इसको ढक के पका लिया है 5-10 मिनट, तो अब बंद करेंगे सीटियों के लिए। दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ चलें। हम अक्सर कभी कभी सब्ज़ी ज़्यादा ले आते हैं, या कभी कभी हमें लगता है कि सुबह शायद हमें जॉब पे जाना हो, काम पे जाना हो, टाइम ना हो, तो हम सब्ज़ियाँ पहले ही काट के रख लेते हैं। कटी हुई सब्ज़ियों को हमेशा फ्रेश रखने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप, ट्रिक और उपाय बता रहा हूँ। इनके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो सारी सब्जियां जो आपको लगता है आपको इस्तेमाल में लेनी है अगले दिन या थोड़ी देर बाद, उन्हों को काट के रख लिया है। सारी हमने जैसे फ्रेंच बीन्स ली थी, इन सबको काट के रख लिया है। अब इनको फ्रेश रखने के लिए मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छा उपाय बताऊँगा। दोस्तों ध्यान रखें, ये सब्ज़ी को धोएं ज़रूर जब भी आप लाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से काट लिया है और धोएं ये जब यूज़ में ले तब, क्योंकि अगर अभी धोए हुए रखेंगे तो ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्राई ही स्टोर करें। अब क्या, हमने अपनी सारी सब्ज़ी काट ली, इसको एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर लें। मान लो आपको अगर ये एक दो दिन में ही यूज़ करना है तो एयर टाइट कंटेनर में डायरेक्टली स्टोर कर लें, और अगर आपको लगे 4-5 दिन बाद यूज़ करनी है तो नीचे टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर ज़रूर लगाएं। अगली ट्रिक है दोस्तों, कभी कभी हमने प्याज टमाटर किसी बास्केट में रखते हैं। अब प्याज उठाना है तो हाथ में आलू आ जाते हैं, प्याज नीचे दबे हुए हैं, ईजिली निकल नहीं पाते। तो हम क्या, इसको ईजिली मैनेज करने के लिए घर में कोई भी कार्डबोर्ड हो उससे एक पार्टीशन बना देते हैं। प्याज को एक अलग पार्टीशन में रखा, आलूओं को एक अलग पार्टीशन में रखा। ऐसे घर में आपकी बास्केट्स भी ज़रूर होंगी, सब्जी के लिए लाए होंगे, किसी भी चीज़ के लिए लाए होंगे। अब इसके पार्टीशन से क्या होता है, ईजिली आलू चाहिए तो आलू हाथ में आते हैं, प्याज चाहिए तो प्याज हाथ में आते हैं, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, रख के कितना इजी सिमेट्रिकल भी लग रहा है। और अब आपको उठा के दिखाते हैं कितनी इजीली, जब आलू चाहिए तो आलू उठा रहे हैं और प्याज चाहिए तो प्याज, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई फसा धक्का मुक्की नहीं। अगली ट्रिक है दोस्तों, लहसुन घर में छीलने में काफ़ी समय लगाते हैं, तो आज वाली लहसुन की ट्रिक एकदम नई और यूनिक है। लहसुन को ऐसे गर्म तवे पर थोड़ा सा गोल गोल घुमाएं, थोड़ा सा रब करें, उससे क्या है आपके जो लहसुन है इजीली क्रिस्प हो जाते हैं, इनके पापड़ी ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी पापड़ टाइप बन जाती है और आपके लहसुन इजीली पील हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों,
अभी तक इसको सिर्फ 15 से 20 सेकंड ही हमने तवे पे, गरम तवे पे ऐसे सेका है। और अब आपको छिलके दिखाएंगे इसी वीडियो में। आप कहेंगे भाई वाह इतनी आसानी से, हाँ क्योंकि ये जो छिलके हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं, करारे हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों छिलके दिखाए कितनी ईजिली ये खुल भी जा रहा है लहसुन, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। और अब जो इसे छीलेंगे तो ईजिली छिल जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का जो परत है वो एकदम पापड़ी की तरह एकदम आप इजीली पील ऑफ कर सकते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स अगली ट्रिक की तरफ चलें। अगर आप थोड़ा वेट लूज़ कर रहे हैं, आप अगर स्लिम मिल्क पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। नहीं भी फैट लूज़ कर रहे तो भी बहुत अच्छा उपाय है। दूध में उबालते वक्त थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दें। क्या आप जानते हैं सौंफ वाले दूध से बहुत ही बढ़िया डाइजेशन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त डाइजेशन होता है शरीर में। कहते हैं सौंफ का दूध पीने से वज़न नहीं बढ़ता, ऐसा मेरी दादी माँ बता गई थी मुझे। बहुत ही अच्छा आपके लिए फैट लॉस टाइप की चीज़ है। दूध में अगर सौंफ डालें डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको अच्छे से हिलाते रहें ताकि मलाई में ऊपर परत पे ज़्यादा सौंफ ना आए। और उबालने के वक्त डालेंगे तो क्या होता है, एक एक रस कण का रस आपके दूध में जाता है। अगली ट्रिक की तरफ चलें। घर में ड्राई फ्रूट तो सभी लोगों के आते हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें यूज़ कब करना है। अगर आपके ड्राई फ्रूट कुछ दिनों तक रखे रहते हैं या नहीं भी रखे रहते हैं तो इनको प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। इनको क्या कीजिए, आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं अभी वॉलनट्स। इनको क्या कीजिए, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। जब इनको हमने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है तो उसके बाद दोस्तों आप देखोगे बहुत ही बढ़िया एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनको ना फ्रिज या फ्रीज़र में रखें। उससे क्या होता है ये कभी भी सीलते नहीं, कीड़ा नहीं लगता, फ्रेश रहते हैं। तो इसलिए हमने वॉलनट्स को अब फटाफट से फ्रिज में रख लेना है या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड है हमारी अगली ट्रिक भी दोस्तों। अगली ट्रिक ये है कि घर में जीरा भी आता है, हम इसे किसी बॉटल में स्टोर करते हैं। अगर बॉटल का मुंह छोटा है और जीरा डल नहीं पा रहा इसीलिए, तो आप इसको पेपर की मदद से डाल लें। लेकिन ट्रिक ये नहीं है, पेपर से तो हमने सिर्फ डाल रहे थे तो आपको भी दिखा दिया। ट्रिक ये है कि जीरे में भी स्मेल हो जाती है। अगर आपको जीरा भी ज़्यादा समय तक रखना है तो जैसे अभी हमने वॉलनट फ्रिज में रखे हैं वैसे उन वॉलनट्स के साथ इस जीरे को भी फ्रीज़र में रख दें। ये भी कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी इनमें बदबू नहीं आएगी। तो चलिए इसे फटाफट से फ्रीज़र में रखते हैं। जब तक फ्रीज़र में रखते हैं आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगली ट्रिक पर तो चलेंगे लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारी लाल मिर्च में ऐसे ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, मोटे मोटे डले बन जाते हैं। थोड़ा सा आप डाल लीजिए हींग, बहुत थोड़ा सा हींग दोस्तों। हींग की मदद से ये एकदम फ्रेश रहती है, मॉइस्चर नहीं आता। और जो सब्ज़ी में इसको ऐड करते हैं तो इसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। हींग और लाल मिर्च का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है सब्ज़ी के स्वाद को। अगर आपकी हींग से कोई एलर्जी नहीं है तो प्लीज़ हींग का सेवन ज़रूर लाल मिर्च के साथ करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों अगली ट्रिक हमारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, जो हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप हमारे पेज को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। दोस्तों मैं चलता हूँ, धन्यवाद।